पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में कल पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। एनडीए गठबंधन से नाराजगी उनकी सबसे ज्यादा दिख रही थी। वो हाजीपुर सीट को लेकर के बार बार दावेदारी कर रहे हैं कि हाजीपुर का जो लोकसभा सीट है वो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे तो चिराग पासवान का तो पहले ही हाजीपुर फाइनल हो गया है। संभावित जो बातें हैं कि चिराग पासवान को 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने बीजेपी ने मना लिया है, चाहे वो जेपी नड्डा से मुलाकात करना हो या फिर मंगल पांडे से बातचीत उनके आवास पर की गई हो, उसके बाद से लगातार उनके पार्टी में यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी है चिराग पासवान की, उन पार्टी में सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चाएँ चल रही हैं। खुशी लगातार लोग मना रहे हैं। इस खुशी के पीछे लोग ये बता रहे हैं कि हाजीपुर का सीट जो है उनका फाइनल हो चुका है। ऐसे में पशुपति पारस को कैसे सेट करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या पारस से किसी भी परिस्थिति के लिए बातचीत नहीं हो पाई है? चर्चा तो ये भी है कि हाजीपुर सीट पर अगर पशुपति पारस लड़ेंगे तो शायद वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं और आरजेडी से वो अपना टिकट जो है यानी कि महागठबंधन में जा कर के अपनी पार्टी को लेकर के वो हाजीपुर सीट पर लड़ेंगे। हालांकि ये कहना बेहद जल्दबाजी है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तो खूब है कि पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। अगर वो जाते हैं महागठबंधन में तो उनकी 6 की 6 सीटें उनके लिए रखी गई हैं। तो क्या वो 6 सीटों पर चिराग पासवान के साथ साथ जो चिराग पासवान के अन्य उम्मीदवार होंगे उनके प्रतिद्वंदी के सामने उनके चाचा की पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे? तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। देखिए, 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के बाद पशुपति पारस कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं, ये बातें राजनीतिक गलियारे से निकल के सामने आ रही है। कल के प्रेस वार्ता के बाद तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि वो बीजेपी के रवैये से यानी कि बीजेपी के जिस तरीके से चिराग पासवान से बातचीत हुई, सीट कंफर्म कर दिया गया, इस रवैये से उनकी पार्टी काफ़ी नाराज है। उनके पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रभारी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जिस तरफ पशुपति पारस का फैसला होगा हमारी नेतृत्व हमारी टीम भी उसी तरफ जाएगी। यानी कि पारस को खुद को साबित करने के लिए अगले 24 घंटे बड़े महंगे हो गए हैं। 24 घंटे जो हैं वो काफ़ी पशुपति पारस के लिए बेहद कठिन समय है। तो 24 घंटे के अंदर में पारस क्या फैसला लेंगे, ये कहानी अपने आप में राजनीतिक गलियारे की बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। अगर पारस हाजीपुर सीट से लड़ेंगे तो चिराग पासवान के प्रतिद्वंदी के सामने उनके ही चाचा पशुपति पारस खड़े हो जाएंगे। तो क्या चिराग पासवान के कुछ वोटों को पारस काट लेंगे? क्या चिराग पासवान के लिए हाजीपुर का सीट जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा? या फिर जो अन्य सीट हैं उनके 5 सीट, अगर पशुपति पारस उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे तो शायद चिराग पासवान के लिए लड़ाई बड़ी कठिन हो जाएगी। हालांकि क्या कुछ होता है इस पर हमारी निगाहें हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अपडेट लगातार जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।